यहाँ पे आपको बहुत सारे दलाल मिलेंगे, लेकिन आपको उनके चक्कर में नहीं फंसना है। Hey guys, welcome back to the channel again. This is your bro Indrajit, और आज आपका भाई जो कर रहा है वो कर रहा है अपने चेतक की बुकिंग। मतलब जैसे कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि दैट आई हैव बीन ट्रांसफर टू गुवाहाटी, सो आई विल हैव टू ट्रांसफर माई बाइक, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट माई बाइक फ्रॉम दिल्ली टू गुवाहाटी। सो ट्रांसफ़र करने से पहले या मीन ट्रांसपोर्ट करने से पहले जो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा वो आपको आना पड़ेगा न्यू दिल्ली पार्सल ऑफिस में। मैं आपको बता दूंगा न्यू दिल्ली पार्सल ऑफिस कहाँ पे है। कैसा है? हाँ, तो दिस इज़ द लोकेशन वेयर द न्यू दिल्ली पार्सल ऑफिस इज हियर। और ये मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे कर रहा हूँ इसकी पैकिंग। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये पैकिंग कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो पैकिंग हो जाएगी। यहाँ पे पैकिंग करने का 200 रुपये का चार्ज है। हाँ, तो वो सर जो है अंकल जी जो है वो पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग करके आगे दिखाएंगे। चलिए मैं आपको उसके पैकिंग होने के बाद, कंप्लीट पैकिंग होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ बाइक कैसी दिखती है, और बाकी का जो फॉर्मेलिटीज़ होगा वो भी मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा। तो गाड़ी जो है अभी आधा पैकिंग हुआ है और फिलहाल ऐसा दिख रहा है। अच्छा, गाड़ी पैकिंग होने से पहले क्या होता है कि जो पूरा का पूरा पेट्रोल होता है उसको पूरा का पूरा निकाला जाता है, और जब तक गाड़ी स्टार्ट पेट्रोल ख़त्म होकर बंद तक जब तक नहीं हो जाती तब तक आपको जो है उसको चलाते रहना है। मैं आपको अपने अपनी करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैं फिलहाल रेलवे के पार्सल ऑफिस में हूँ। मैंने अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर दिया है, एंड अभी इसका बुकिंग होएगा। तो बुकिंग होगा, उसके बाद फिर मैं आगे बता सकता हूँ कि क्या क्या होने वाला है। वैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे दलाल मिलेंगे, लेकिन आपको उनके चक्कर में नहीं फंसना है। बाकी जो भी होगा मैं आपको आगे बताता जाऊँगा। अभी फ़िलहाल ये है रेलवे के कर्मचारी है जो आगे बताएंगे कि कैसे बाकी का आगे प्रोसेस होगा। जैसे फ़िलहाल राजधानी का जो बुकिंग होता है वो सही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। मैं आपको आगे बताता जाऊँगा। ये मेरा बैग है, नीचे मेरा लगेज बैग है, और ये राजधानी आ गई है। अभी इसमें जो है मेरा सामान लोड हो जाएगा, एंड लोडिंग का प्रोसेस जो है मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कैसे लोड होता है। बट हाँ, यहाँ पे अगर आप नई दिल्ली स्टेशन पे आओगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से आके यहाँ आगे आगे ट्रेन आगे पीछे, और आराम से आप लोडिंग वोडिंग करा सकते हो। और मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस वीडियो में आगे चलता जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा, और कैसे लोड होता है कैसे नहीं होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपने देखा है अभी सामान तो अंदर लोड हो गया, जैसे ये लगेज वैन और इसमें सामान अपने बाइक के अंदर लोड कर दिया है। अब उतरने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। वैसे हम लोग अंदर दिखा नहीं पाए कि क्या हुआ था, कैसे लोड हुआ था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश है इस जगह पे इस टाइम पे। और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा रश होता है। तो जैसे भी है हमने कर तो दिया है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस। अभी जो भी दिखेगा डिब्रूगढ़ जाके ही दिखेगा। एंड हाँ, दिल्ली छोड़ने का थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है, लेकिन वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि अभी जो है न्यू माउंटेन्स दिखेंगे वहाँ पे जाके। सो पीस आउट। This was my room where I have spent in about 2.8 years. So I have left something like, so this is the room after I have done everything, matlab jo packing tha wo sab kuch kar liya, and now this is what it is left out. Ha, some things. So I think this wall I will be missing a lot. Even there were so many memories out here, but to reach somewhere
you need to get out of somewhere. So this is the day when I will be saying goodbye, not exactly goodbye, but goodbye for the time being to Delhi. And let's hope for the best. Let's hope that everything, something best is coming around.